आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है लव बिटवीन फेरी एंड डेविल। ये सीरीज फेरी और डेविल की लव स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक डेविल डोंगफैंग किंग चैंग, जो मून क्लैन से था, उसने एंशियंट सीक्रेट टेक्निक्स को सीखने के लिए अपने पिता को मार डाला और मून क्लैन का लॉर्ड बनकर मून क्लैन के 1,00,000 सैनिकों के साथ मिलकर शुयून क्लैन, टान्यून क्लैन और कैंगयान क्लैन तीनों पर हमला कर दिया। तभी आम आदमियों को बचाने के लिए और डोंगफैंग किंग चैंग को मारने के लिए इमॉर्टल रैम के गॉड ऑफ वॉर और चिड़ी वूमन ने खुद को नष्ट कर दिया और मून क्लैन के 1,00,000 सैनिकों को बंद कर दिया। लेकिन डोंगफैंग किंग चैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा हो सकता है और अगर वो फिर से जिंदा हो गया तो तीनों लोग खतरे में पड़ जाएंगे। लेजेंड्स का मानना है कि केवल गॉडेस ऑफ शीशान ही इस आने वाले प्रॉब्लम से सभी को बचा सकती है, लेकिन वो कहीं गायब हो गई हैं। इसके बाद ये कहानी खत्म होती है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ श्युंतियान के आर्बिटर हॉल में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑर्किड होता है। ये एक फेरी है। यहाँ वो अपने बारे में बताती है कि वो एक फेरी है। वो एक पेड़ के पास आती है जिसके बारे में वो बताती है कि इसके पत्ते साधारण नहीं हैं। हर एक पत्ता किसी इंसान का भाग्य बताता है। ऑर्किड का काम उन्हीं पत्तों को अच्छे से रखना और उनकी देखभाल करना है और वो किसी की किस्मत के साथ कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ऑर्किड अपने मास्टर के बारे में बताती है कि पहले उसकी मास्टर शियानजून सिमिंग वहाँ की इंचार्ज हुआ करती थी। जब उसकी मास्टर एक बार शराब पी रही थी तो गलती से उनकी शराब की कुछ बूंदें ऑर्किड के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी इमॉर्टल रूट खराब हो गई और कल्टीवेशन बेस भी कमजोर हो गया। इसके बाद उसकी मास्टर उसे सारा काम सिखाकर दुनिया घूमने चली गई और अब 500 साल से ऑर्किड अकेले ही रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्किड पहले एक पौधा हुआ करती थी। उसकी जिंदगी बहुत ही अकेलेपन में गुजर रही है, लेकिन वो ये किसी को नहीं बताना चाहती। वो यही दिखाती है कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है और वो सभी चीजें आराम से कर लेती है। दूसरी परियां भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, हमेशा उसे परेशान करती हैं। ऑर्किड हमेशा से इमॉर्टल की परीक्षा पास करके योंगक्वान पैलेस जाना चाहती थी ताकि वो शियानजोंग चेंगहैंग की सेवा कर सके। शियानजोंग चेंगहैंग से ऑर्किड इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि उसने एक बार ऑर्किड की जान बचाई थी। अगले सीन में शियानजोंग चेंगहैंग फेरी क्लैन के एम्परर के पास आता है, जिनका नाम लॉर्ड लियुआन होता है। एम्परर उससे कहते हैं, तुमने नॉर्दर्न ओशियन के लॉस्ट ग्राउंड को ढूंढ निकाला और मून ट्राइब के लीडर शिनफैंग को भी हराया। तुमने इन सब में अपना बहुत योगदान दिया है। तुम जो इनाम चाहते हो मांग सकते हो। शियानजोंग चेंगहैंग कहता है, मून ट्राइब टुकड़ों में टूट चुका है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लड़ाई ना होने दूं। तभी हमें एक डेविल की हल्की सी झलक दिखाई जाती है, जो डोंगफैंग किंग चैंग होता है। लॉर्ड लियुआन चेंगहैंग से कहते हैं, हाउटियन टावर में हलचल हुई थी लगता है। डोंगफैंग किंग चैंग सील तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है, उसे हमें जल्द रोकना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तीनों लोग फिर से खतरे में पड़ जाएंगे। वो अभी भी अकेला है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बाकी इमॉर्टल्स के साथ सील को मजबूत करने के लिए बुलाया है। अगले सीन में कुछ परियां ऑर्किड के घर की बेल बजाती हैं। ऑर्किड आती है, जिस पर वो परियां फिर से ऑर्किड को बातें सुनाने लगती हैं कि तुम दिन भर घर पर बैठी रहती हो, फिर भी तुम्हें बाहर आने में इतना टाइम कैसे लग गया। ऑर्किड कहती है, मैं चेरी ब्लॉसम की कोई फ्रूट नहीं हूँ, जो तुम लोगों ने पेड़ हिलाया और मैं गिर गई। मैं इंसान हूँ, मुझे भी कुछ काम करना होता है। वो परियां ऑर्किड से लोगों की लाइफ बुक्स लेने आई होती हैं। ऑर्किड रिपोर्ट लेकर बाहर आती है, तभी वो उन लोगों की बातें सुन लेती है कि लॉर्ड चेंगहैंग लड़ाई जीतकर वापस आ गए हैं। ऑर्किड लाइफ बुक्स उन्हें देती है और डरते हुए उनसे पूछती है, क्या सच में लॉर्ड चेंगहैंग वापस आ गए हैं? लेकिन वो परियां उसे सुनकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद ऑर्किड गुस्से में कहती है, अगर मास्टर यहाँ होती तो तुम सभी ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करती। और लॉर्ड चेंगहैंग के बारे में जानने के बाद घर के अंदर आकर डांस करती है। इसके बाद ऑर्किड कुछ फूल लेकर शुयांतियान शुयुलिन में लॉर्ड चेंगहैंग के पास आती है। वो लॉर्ड चेंगहैंग को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश होती है और अपनी ही धुन में लॉर्ड चेंगहैंग के पास जाने लगती है, लेकिन सामने एक टहनी से फंसकर वो गिर जाती है। चेंगहैंग उसे उठाने के लिए अपना हाथ देता है और फिर वहां से जाने लगता है। ऑर्किड उसे रोककर उसे फूल देने की कोशिश करती है,
चनहैंग कहता है, दुश्मनों को मारना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ऑर्किड चनहैंग को याद दिलाने की कोशिश करती है कि 1500 साल पहले उसने उसकी जान बचाई थी, ये उसके लिए है। और उस वक्त ऑर्किड सिर्फ एक छोटी सी घास थी। मेरी मास्टर उस वक्त मुझे नहीं रखना चाहती थी, लेकिन आपने आकर उन्हें समझाया, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। चनहैंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे उस वक्त की कोई भी बात याद तक नहीं। ऑर्किड उदास हो जाती है और चनहैंग से परेशान करने के लिए माफी मांगती है। उसे इस तरह उदास देखकर चनहैंग उससे एक फूल ले लेता है, जिससे ऑर्किड बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी से उसके कान के पास लगे दो फूल भी खिल जाते हैं। ये देखकर चनहैंग भी मुस्कुराकर वहां से जाने लगता है। तभी ऑर्किड देखती है कि चनहैंग का स्पिरिट जेड वहीं गिर गया है। वो उसे उठाती है और चनहैंग को देने की कोशिश करती है, लेकिन चनहैंग उसे लेने से मना कर देता है, जिससे ऑर्किड को लगता है कि चनहैंग स्पिरिचुअल जेड उसे दे रहा है और सोचती है कि चनहैंग ने दूसरा फूल ना लेकर सिर्फ ऑर्किड के फूल ही लिए, जिसके बाद तो ऑर्किड की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो चनहैंग को चिल्ला कर कहती है कि अब मैं एग्जाम पास कर योंगक्वान पैलेस आकर ही रहूंगी। इसके बाद अगले सीन में शुयांटियान युसीन टावर को दिखाया जाता है, जहां सभी परियां एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आई होती हैं, ताकि वो इस एग्जाम को पार करके लॉर्ड चनहैंग की सेवा कर सके। ऑर्किड भी वहां एग्जाम के लिए आती है, जिसे देखकर सभी परियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन ऑर्किड उनकी बातों को अनसुना करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है, पर फिर भी बाकी परियां उसे परेशान करना बंद नहीं करती। ऑर्किड जवाब देते हुए कहती है, मैं ना तो एक चपरासी हूँ और ना ही गुलाब, मैं आर्बिटर हॉल से हूँ और मेरा नाम ऑर्किड है, और तुम सभी को मेरा नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं तुम सभी को परीक्षा में हरा दूंगी। ये सब सुनकर वो सारी परियां ऑर्किड पर और ज्यादा हंसने लगती हैं। अगले सीन में ऑर्किड अपने दोस्तों को बताती है कि वो परियां उसकी बातें सुनकर हंस रही थी, जिस बात पर उसके दोस्तों को भी बुरा लगता है। ऑर्किड अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है कि वो सभी उसे कुछ पैसे दें, ताकि वो प्लांट स्पिरिट क्रीपर और प्लांट स्पिरिट पिच खरीद कर अपनी अमर जड़ों को फिर से ठीक कर सके। उसकी एक फ्रेंड कहती है, तुम कितने वक्त से प्लांट स्पिरिट्स पी रही हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, इससे अच्छा तो ये है कि हम सभी अपने पैसे बचाएं। ऑर्किड कहती है, तुम सभी को पता है ना, हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं लॉर्ड चनहैंग की सेवा करूं। उसकी दोस्त कहती है, तुम लॉर्ड चनहैंग को पसंद करती हो और बातों ही बातों में ये कह भी देती हो, तुम हमसे कितना भी सच छुपाओ, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल सकती। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारी ओपोनेंट कौन है, शुयांटियान की सबसे खूबसूरत लड़की डैनिया, उसके पिता लॉर्ड लियोन है, और तुम्हारा क्या, तुम तो सिर्फ एक ऑर्किड हो, तुम्हारे तो पिता भी नहीं है। ऑर्किड उन्हें वही स्टोन दिखाती है जिसे चनहैंग ने गिरा दिया था, और जब ऑर्किड वो स्टोन वापस कर रही थी तो चनहैंग ने उसे लेने से मना कर दिया था। ऑर्किड कहती है, ये एक रेयर स्पिरिचुअल जेड है जिसे चनहैंग ने मुझे दिया है, इसे बनने में पूरे 10,000 साल लगते हैं। उसके दोस्त पत्थर को देखकर कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है, और चनहैंग ने तुम्हें ये इसलिए लेने दिया क्योंकि ये टूट चुका है और इसके स्पिरिट्स भी खत्म हो गए हैं। तभी उसकी एक दोस्त उसके पास आती है और सभी से कहती है कि ऑर्किड हमारी दोस्त है और तुम सब उसका साथ देने के बजाय ये सब कह रहे हो, जबकि हम सभी को उसका साथ देना चाहिए। ये सब कहकर उसकी दोस्त ऑर्किड को बताती है कि मैंने सभी स्पिरिट स्टोन्स गार्डन में बचा कर रखे हैं, जिससे मैं कुछ गोलियां खरीदने जा रही थी, लेकिन अब तुम इसे ले सकती हो। ऑर्किड ये जानकर बहुत खुश होती है और स्टोन्स लेने के लिए उसकी तरफ भागती है, साथ ही उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं और उसे रोकते हैं, क्योंकि वो स्टोन्स उन सभी ने मिलकर इकट्ठा किए थे। ऑर्किड उनकी बातें नहीं सुनती और सभी स्टोन्स लेकर अपनी जड़ों के लिए स्पिरिट लेने चली जाती है। अपने घर आते आते वो कहती है कि जब मैं चनहैंग की सर्वेंट बन जाऊंगी और मुझे सैलरी मिलेगी तो वो सारे तुम सभी के होंगे। ऑर्किड स्टोन्स लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचती है जिसके पत्तों में सभी का भाग्य लिखा होता है। तभी एक पत्ता गिरता है जिसमें चनहैंग का भाग्य लिखा होता है कि आज रात चनहैंग मर सकता है। अगले सीन में शुयांटियान हाउटियान टावर में लॉर्ड चनहैंग और बाकी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो वहां की सील को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑर्किड खड़े होकर ये सब देखती है, जिससे उसे लगता है कि इतने सारे इमॉर्टल लोग एक साथ हैं, इन सबके रहते हुए चनहैंग को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ऑर्किड चनहैंग की भाग्य वाला पत्ता निकालती है तो देखती है कि उसमें अभी भी खतरा लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्किड सब कुछ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये कानून के खिलाफ था।
तभी शील्ड में कुछ खराबी आ जाती है और तेज रोशनी निकलने से सभी को बहुत मुश्किलें आती है। साथ ही चेंगहैंग इन सब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सारा खतरा चेंगहैंग पर ही आ जाता है और इसलिए ऑर्किड एक मास्क लगाकर चेंगहैंग के सामने आ जाती है और चेंगहैंग को बचाते हुए किसी ताकत की वजह से वो शील्ड के अंदर चली जाती है। चेंगहैंग लॉर्ड लियोन से ऑर्किड को बाहर निकालने की मदद मांगता है, लेकिन लॉर्ड कहते हैं कि एक मामूली परी के लिए मैं ये शील्ड नहीं खोल सकता। ऑर्किड शील्ड के अंदर खिंची चली जाती है, जहां उसके गले के पास एक निशान चमकने लगता है। अंदर पहुंचने के बाद उसे एक डेविल दिखाई देता है और उसके पास जाने के बाद किसी चीज के आकर्षण की वजह से ऑर्किड और डेविल में किस हो जाता है। ऑर्किड अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद ऑर्किड एक जगह पर होती है जहां उसे एक पेड़ दिखाई देता है, जिसे छूने पर वो पेड़ चमकने लगता है और उसे छींक आती है। फिर वो देखती है कि कोई लड़की उसी के जैसे कपड़े पहनकर बैठी हुई है। जब वो पास जाकर देखती है तो ये लड़की उसी की तरह दिखाई देती है और यहाँ हम देखते हैं कि ऑर्किड उसी डेविल में बदल चुकी है जिसके साथ उसका किस हुआ था। दोनों का शरीर बदल चुका था और आत्मा एक दूसरे के अंदर आ गई थी। अब डेविल ऑर्किड को डराने लगता है। ऑर्किड उससे पूछती है कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन ये बात तो खुद डेविल को भी नहीं पता थी। ऑर्किड बहुत डरी हुई है। डेविल बाहर जाने का एक रास्ता बनाता है और ऑर्किड को उकसाता है कि हमें बाहर जाना होगा, तभी हम शरीर में वापस जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ऑर्किड को हाउटियान मैट्रिक्स को नष्ट करना होगा। लेकिन तभी ऑर्किड को याद आता है कि उस डेविल को यहाँ बंद करके रखा गया है। ऑर्किड उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर डेविल ऑर्किड को डराता है और कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।